कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी, सिंध और पंजाब में रेस्टोरेंट समेत दीगर तमाम कारोबार बहाल कर दिए गए, जबकि हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन के खात्मे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अर मोहम्मद उस्मान ने लॉकडाउन खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया। सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान का कहना था कि शादी हालों के सिवा तमाम कारोबारी मराकज खोल दिए गए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि मजहबी इज्तमात मुतालिका इंतजामिया की इजाजत और SOPs पर अमल से मशरूत हैं, जबकि तमाम कारोबारी मराकज SOPs पर अमल करने के पाबंद होंगे। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल सकेगी। हुकूमत की इजाजत के बाद पंजाब भर में बाजार, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा वगैरह खोल दिए गए हैं। कोरोना लॉकडाउन से पहले के औकातकार के मुताबिक कारोबार चलेगा। रेस्टोरेंट में एहतियाती तदाबीर के साथ बैठकें लगेंगी, जबकि सिनेमा की स्क्रीन्स भी जगमगाएंगी। SOPs के तहत पंजाब के सिनेमा हॉल्स में आने वालों को मास्क पहनना होगा। गुंजाइश से 40% अफराद को दाखिले की इजाजत होगी, जबकि थिएटर में भी शोज होंगे, जबकि 6 फुट का सामाजिक फासला रखना भी लाजिम होगा। रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में 50% तक लोगों को खाना खिलाने की इजाजत होगी। हर टेबल के दरमियान 6 फिट का फासला रखा जाएगा।